कैसी हो कौसर? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरे ये नए कड़े लिए? नवीद ने ला कर दिए। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कितने के हैं? ये नवीद का मसला है। और तुम्हारा मसला सिर्फ पहनना? कम से कम एक एक तोले के तो होंगे ना? कड़े भारी अच्छे लगते हैं। नए टेंडर के बाद कुछ लेटर आए थे, आपके पास आए? जी सर, अभी कुछ देर पहले ही आए थे, कुरियर वाला दे के गया है। और आप ये बैठी हुई हैं? वो सर, मैं सुहेल का इंतजार कर रही थी। सुहेल के इंतजार के बजाय आप खुद भी तो आ सकती थी, मैं भी तो आया हूँ। नहीं सर, मैं आने ही वाली थी लेकिन नबीला आ गई थी। नबीला एम नहीं, ये लेटर है। मैं सिर्फ मेकअप और बातें काफ़ी नहीं होती, काम चाहिए काम। ना जाने नौजवानों को क्या हो गया, काम चोर काहिल। इस भुट्टे से किसी की जवानी देखी नहीं जाती, वो भी तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की, और जो इसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। अच्छा ना तुम गुस्सा थोको, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इनके बारे में। तुम भी ना हमें गुस्सा करती हो, मुट्ठी करो। कौसर का कहना है कि उस दिन दो बातें बहुत अहम थी। एक तो नबीला के हाथों में खूबसूरत कड़े जो उसे बहुत पसंद आए थे, दूसरे जब्बार साहब की डांट जो उसे बहुत बुरी लगी थी। ये दोनों बातें उसके लिए बहुत अहम थी और वो मौके की तलाश में रहने लगी, और जब्बार साहब से बेइज्जती का बदला लेने का मौका उसे जल्द ही मिल गया। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। ये अहम लेटर है, सुहेल के हाथों फौरन आसिफ साहब की कंपनी भेजें। ठीक है, फौरन। जब्बार साहब, जो मैंने आज सुबह आपको लेटर दिया था भिजवाने के लिए, उसका क्या हुआ? वो तो मैंने आज सुबह भिजवा दी। सुबह भिजवा दी? नहीं, वो कौशल को मैंने कहा था कि वो सुहेल के हाथों भिजवा दे। झूठ बोलते हैं आप। सुबह से कंपनी के दो टेलीफोन आ चुके हैं, उन एनवेलप में ब्लैंक पेपर निकले, ब्लैंक पेपर। सर, कौशल से पूछ लें आप। कौशल से पूछे? ये जरा कौशल को भिजवाइए। आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, अपनी उम्र का लिहाज करें, अपनी जिंदगी का लिहाज करें। वो मैंने लेटर दिया था आपको सुबह, भिजवा दिए ना आपने? जी मैंने भिजवा दिए थे। भिजवा दिया आपने? ब्लैंक पेपर एनवेलप में डालकर भिजवा दिए? लेकिन सर, जिस तरह इन्होंने मुझे दिए थे वैसे ही मैंने भिजवाए थे। क्या कह रही हैं ये? I am sorry sir, लेकिन 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 कुछ नहीं, लगता है आपका काम में ध्यान ही नहीं रहा, आप अब काम के काबिल नहीं रहे हैं। आप जाइए, जाइए आप, और आप जाकर दूसरा लेटर टाइप कीजिए और मुझे दिखाइए और फिर भेजिए। इस कंपनी को जिंदा रहने दीजिए। जब्बार साहब की बॉस के हाथों बेइज्जती देखने के बाद वो दिल ही दिल में बहुत मसरूर थी। उसने अपनी जब्बार साहब से बेइज्जती का बदला तो ले लिया था, अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से नबीला की कड़े हासिल कर ले, क्योंकि उसकी नफ्सियात थी कि वो जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी उसे हासिल करना अपना हक समझती थी, और इस हक को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और ऐसा करने के लिए एक दिन उसे आखिर मौका मिल ही गया। क्या बात है, आज बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ, आज मुझे जल्दी जाना है। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। अरे नबीला, तुमने अभी तो नए कड़े खरीदे थे, आज फिर हाथ खाली तुम्हारे? हालात देखे तुमने कैसे चल रहे हैं। तो फिर उस दिन क्यों पहने थे? नए थे शौक पूरा करने और तुम जैसी दोस्तों को दिखाने के लिए। कभी कभार दिखाना भारी भी पड़ जाता है, इसलिए तो दोबारा नहीं पहने, आज पहनूंगी।
आज कुछ खास है क्या? तुम्हें नहीं पता आज मेरी शादी की सालगिरह है। ओ अच्छा, तो इनवाइट नहीं करोगी? अरे स्टॉप इट, सिर्फ हम दो, मैं और नवीद। नवीद कहते हैं कि तुम दुल्हन की तरह सजना और मैं दूल्हा की तरह, हम दोनों एक साथ सालगिरह मनाएंगे। हम दोनों की सालगिरह है, किसी तीसरे को शामिल करें? आइडिया तो अच्छा है, तो चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हें दुल्हन की तरह सजाती हूँ और तुम्हारे नवीद के आने से पहले ही मैं चली जाऊँगी। ये हो सकता है। ब्यूटिशियन का कोर्स किसी के तो काम आए। तुमने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कभी जिक्र ही नहीं आया। और आज तो मैं तुम्हें ऐसी दुल्हन बनाऊंगी कि नवीद भी देखते रह जाएंगे। चल हट, तुम अपना काम निपटाओ और मैं भी अपना काम निपटाती हूँ, फिर साथ चलेंगे, ठीक है? पुलिस के मुताबिक कौसर नबीला के कड़े हर हाल में हासिल करना चाहती थी। वो इसके लिए किसी मौके की तलाश में थी और ये वही वारदात वाला रोज था जिस रोज नबीला की शादी की सालगिरह थी। सर, तुम तो वाकई बहुत अच्छा मेकअप करती हो, कहीं से सीखा है क्या? नहीं यार, तुम जैसी दोस्तों का कर करके सीख गई हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम अपना खुद का पार्लर खोलो, खूब आमदनी होगी तुम्हारी। अरे नहीं यार, जो मजा कभी कभार अपने दोस्तों का मेकअप करने में, वो रोज उस पार्लर में कहाँ। जब नोट आने लगेंगे ना तो खुद ब खुद मजा आने लगेगा तुम्हें। अरे मैडम, सिर्फ दिल की तस्कीन चाहिए, वरना नोट तो मैं किसी से भी निकलवा लूंगी। तो तुम किसी से दिल लगा लो ना। लगा लूंगी अगर तेरे नवीद जैसा कोई मिल जाए तो। ओहो, कहीं मेरे नवीद पता नजर नहीं है आपकी? नजर होती ना तो छीन लेती। अब इतनी भी बद नजर नहीं हूं मैं। इतना एतमाद है खुद पर? एतमाद से ही सारे काम करती हूँ, आगे आगे तुम भी मेरा एतमाद देख लोगी। अच्छा अब जल्दी जाओ और अपने जेवर लेकर आओ, बिना जेवर के दुल्हन अधूरी लगती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तुम यही ठहरना, सही है? हाँ। मैं ना जेवर लेकर आती हूँ, ठीक है? नबीला बेगम, सात पर्दों में भी रख लो जेवर तो लाके तुम्हें अपने हाथ से लेना होंगे। रह गई है, आई क्यों नहीं? अरे तुम आ गई, ये बताओ ये कैसा लग रहा है? तुमने खुद क्यों पहना, मैं तुम्हें बनाती ना। यार कोई बात नहीं ना, अगर मैंने ऐसे पहन लिया। यार पहनना ही तो था, मैंने खुद से पहन लिया। अच्छा यार तुम जरा ये बंदा सही कर दो ना प्लीज। नहीं तुम उतारो, मैं तुम्हें अपने हाथ से पहनाऊंगी। मैंने पहनना था ना, तुम ये बस बंदा ठीक कर दो मुझे। तुम उतारती हो या मैं तुम्हारा गला काट के उतारूं? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं उतारूंगी। उतारती है या मैं तेरा गला काट दूं? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ। Thank you.
पुलिस का कहना है कि चोरी की आदत कौशल को अपने घर से ही पड़ गई थी। सोतेली माँ और बहन भाइयों से नफरत ने उसे बागी बना दिया था। शायद यही वजह थी कि उसके घर वालों ने उससे दाता तोड़ दिया था, क्योंकि उसके आए रोज की चोरी चकारियों के बायस उनकी बदनामी हो रही थी। एक प्री ऑक्यूपेशन सिर्फ इस चीज़ से होती है कि बस अभी फौरी तौर पर जो कुछ मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो पूरा हो जाए। तो जब आप इस तरह के बिहेवियर या माइंड सेट के साथ कोई चीज़ भी करेंगे तो जाहिर है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगी और अगले को भी नुकसान पहुंचाएगी। ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, जिसे मैं छोड़ देता हूं मुकम्मल छोड़ देता हूं। यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको मैं तोड़ देता हूं। अदीम अब तक वही बचपन वही तखरीबकारी है, कफस को तोड़ देता हूँ परिंदे छोड़ देता हूँ।